अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही यूनिक एक सैंडविच की रेसिपी, जो बिल्कुल झटपट बन जाती है और बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक और टेस्टी रेसिपी है। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए प्लीज़ लास्ट तक देखें, और अगर ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन बटन दबाना ना भूलें और वीडियो पर लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ। तो इसके लिए हम यहाँ पर लेंगे 2 बॉयल्ड एग्स। इसे हम अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से टूट जाए और ये एकदम अच्छी तरह से दोनों मिक्स हो जाए, एग और योक। ये देखिए, इस तरह से फुल्ली क्रश कर लेना है हमें। जब ये अच्छी तरह से क्रश हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, ये डाल दें आप अच्छी तरह से। फिर इसके बाद हम यहाँ पर चिली फ्लेक्स डालेंगे 1/4 टीस्पून, और फिर मिक्स्ड हर्ब जाएगी जो कि ऑप्शनल है। ये देखिए, मिक्स्ड हर्ब हम थोड़ी सी डाल देंगे, और यहाँ पे स्प्रिंग अनियंस डाल देंगे या आप छोटे छोटे कैप्सिकम्स भी डाल सकते हैं, आप अपने पसंद की वेजीज डाल दें। साथ में यहाँ पर 2 टेबलस्पून मेयोनीज डालें। ये देखिए, कोई सा भी मेयोनीज आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एगलेस लिया है, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर 1/4 टीस्पून यहाँ पर डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से, बहुत ही यूनिक लगता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। जब हम इसे ब्रेड के साथ खाते हैं, आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब ये मिक्स हो जाए, फिर हम यहाँ पर वाइट ब्रेड लेंगे, जो सैंडविच ब्रेड होता है। एक ब्रेड लेंगे और एक उबला हुआ अंडा आधा काट कर इस तरह से हम बीच में रख देंगे, और फिर इसके ऊपर से जो हमने मिक्स बनाया था वो डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से, इसमें कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि बीच का लेयर ही बहुत ज्यादा ही क्रीमी और थोड़ा मोटा सा थिकनेस होना चाहिए उसका। तो इसके लिए यहाँ पे हम थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में डालेंगे, और बिल्कुल अच्छी तरह से साइड पे भी एक साइज का बैटर यहाँ पर लगा देंगे, वो जो मिक्सचर है हमारा। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आसानी से बन जाता है ये, घर पर आप बिल्कुल बनाए। और फिर यहाँ पर ऊपर से जो ब्रेड के दूसरे स्लाइस है उसे अच्छी तरह से डालकर और हल्का हल्का प्रेस करें ताकि वो एक साथ कंबाइन हो जाए। देखिए इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें हम थोड़ा सा बटर करेंगे ग्रीस। आप चाहे तो ऑयल ले सकते हैं, मगर बटर से बहुत ही सुनहरा सा कलर आता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो आप इसे डाल दें जेंटली, और फिर इसे हम पकाएंगे धीमे धीमे आंच पे। बिल्कुल सुनहरा सा कलर आ जाएगा तब हम इसे पलटेंगे और इसे क्रिस्पी होने तक रहने देंगे। इसी तरह से अब हम इसे पलटेंगे। बिल्कुल क्रिस्पी हो चुका है, ये देखिए। क्रिस्पी होने के बाद हम दूसरी साइड से भी इसे क्रिस्पी होने देंगे, और थोड़ा ये जेंटली आप करें क्योंकि अंदर का जो मिक्सचर है उसमें मेयोनीज है, तो हो सकता है ये टूट जाए। तो इसे आप ध्यान से फ्लिप करें और इसे अच्छी तरह से क्रिस्पी होने दें। बहुत ही आसान है, 15-10 मिनट के अंदर ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। और अगर आपको अंडे पसंद है, किसे नहीं पसंद होते अंडे ब्रेड के साथ, तो आप इसे शाम के नाश्ते पे जरूर बनाएं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये रेसिपी। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डिलीशियस एग सैंडविच बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए, सर्व करके मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे बीच से आप काट लें, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक दिखता है, और दिखने में तो बहुत ही सुंदर लगता है ये, देखिए। तो अगर ये रेसिपी पसंद आई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए, और नोटिफिकेशन वाला बटन ज़रूर प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए, और मेरे चैनल को एक बार ज़रूर खोल कर देखें। तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें। थैंक यू।